सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं भूटान। कि अभी हम लोग अभी सिलगढ़ी पहुँच चुके थे तो यहाँ पर खाना वाना खाने है, क्योंकि हम लोग मैंने वो घर से निकलने का वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरा मन था कि सिलगढ़ी से ही स्टार्ट करूँ। तो अभी हम लोग रेडी हो चुका है अंदर। वाइफ मेरा आमा जा रहे भूटान। भूटान किस लिए जा रहे हैं क्योंकि मेरा मामा भी चेन्नई गया था, वो अंजलि का मामा, तो कल आया था। और आज हमारा वहाँ पे एक आदिल दादा है, अंजलि का फूफू का दादा, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्यों देखिए हम लोग आगे मिलते हैं। फूफू के घर से निकल चुके हैं, देखो ओ गाखो नानी गा गया ऊपर, आगे देखिए नानी। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहा है भूटान के लिए, रवाना होने के लिए। तो पीछे मेरा वाइफ आ रहा है। करीब हम लोग तकदा से यहाँ पर पहुँच चुके थे 12:30 को, अभी बज चुका है। कति बजे अहिले? 1 बजे, 1:30 तो हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से लगभग लगेगा भूटान 3-4 घंटे तो लगेगा, क्या करें उतना घंटे। तो अभी जा रहे हैं। हम लोग 4 जोन है, मेरा वाइफ और अंजलि का मामा और पुसई, आगे में पुसई जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग दार्जिलिंग मोड़ से सीधा बस स्टैंड जाएंगे, तो बस स्टैंड से वहाँ से बस पकड़ के हम लोग जाएंगे भूटान। तो मेरा भूटान का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो अभी जा रहे हैं, देखेंगे रास्ते में क्या क्या होगा। देखो पोका पोते हो रहा, ओह जो ही दान उठाने का कौन था, दान उठाने बेटी। तो वहाँ से एक घर का ही गाड़ी लेकर आया था, तो संगीत भैया आया था, संगीत दा, तो वो खाना खा के चला गया, उसको भी जल्दी निकलना था तो वो गाड़ी चला गया। तो पिछले बार वो लौट भूटान से लौटते हुए उसी गाड़ी को बुलाएंगे, तो उस गाड़ी में घर जाएंगे, सोचा है वैसा हो गया कि नहीं होगा। तब हम लोग जा रहे हाईवे में निकल चुके हैं, तो यहाँ से टोटो लेना पड़ेगा, तो टोटो चढ़ के जाना पड़ेगा। टोटो यहाँ पर पूछ रहा है जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो फाइनली निकलते वक्त ठीक निकलते हम लोग ने टोटो पकड़ ली। देखो टोटो से जाएंगे हम लोग, टोटो में बैठ रहा है लोग, मौकी बस ल सामान हाला थे एक जगह, यहीं बस् झार लाने झार दिन जुम जुम भैया से हम लोग निकल रहे, टोटो मिल गई यहाँ से। तो देखो सबको टोटो में बैठ चुका है उसे ही मेरा, देखो यहाँ पर आमा और अंजलि, हम लोग 5 जोन है, मेरा बेटी भी है। नुया जुमला तो गाइस मिलते हैं बाद। दूसरा टोटो जा रहा है, दूसरा टोटो ऐसा है दार्जिलिंग मोड में है। तो यहाँ से तब कता बस नानीसँग पकड़ा
तो दूसरी टोटो में बैठ चुका है, यहाँ से बोल रहा था मित्तल बस स्टैंड, वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहीं से मिलेगा गाड़ी, थोड़ा गर्म हो रहा है यहाँ पर। मेरा यहीं भी है हमारे लोग जाने वाले हैं, 120 भाई, एक सीट एक्स्ट्रा 150 बोल रहा है मित्तल बस स्टैंड जाने का। तो गुरु जी हटाइए थोड़ा, जाम जुम मत कीजिए थोड़ा। यहाँ पर बस स्टैंड में पहुंच चुका है, तो यहाँ पर बस का टिकट हो रहा है। यहाँ पर देखो बस का जो स्टेशन होता है, ये ऐसा ही होता है, सब लोग पूछता है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। यहाँ बस स्टैंड में ऐसा बहुत बार होता है, तो हम लोग बस्ने त मैले यो त बनाउँदै पर्यो सुरु छ। दिदी र अञ्जली यहाँ बस्नु हो, यहाँ दुईजना, यहाँ दुईजना कहिले आउँदै यहाँ हाल्यौँ माथि बस के अन्दर झुक्नुपर्ने छ कि यहाँबाट। टिकट उटक टिकट तो ले ली, तो हमारा बस है ये, तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगभग 2:44 का है। तो यहाँ से निकलने का टिकट पे लिखा हुआ है 2:44। तो मुझे लग रहा है उससे भी लेट होगा ये बस, क्योंकि अभी तक पैसेंजर यहाँ पर भरा हुआ नहीं है ना, आगे का टायर भी बना रहा है। तो यहाँ पर मेथी इसको स्टैंड बोलते हैं, वहीं पर है हम लोग। मेरा बच्चा देखो ना इतना क्या क्या कर रहे हैं, नू यहाँ थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। देखिए बस का जो सीट भी ना, आगे का दो सीटें लेकिन वो छोटा छोटा है, नहीं ऐसा होता है। तो मेरा छोटा गाड़ी है, छोटा गाड़ी का ऐसा नहीं होता है। तो देखो बस का विंडो आगे का, बहनी ऐसा यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी मिल चुका है हम लोग को। तो बस ड्राइवर देखिए नू यांग कहाँ आको, बस को ट्रायल के लिए जा रहा है। देखो देखो पीछे अभी तक हो रहा है, बस का पैक नहीं हुआ है, तो बस को थोड़ा टाइम लगेगा पैक होने में। देखो ड्राइवर साहब, बापा ना बड़ा गाड़ी चलाते हो ना, मैं भी ड्राइवर हूँ लेकिन अभी तक बस को हाथ भी नहीं लगाया है मैंने। देखो आगे का स्क्रीन भाई कितना बड़ा है ना, पीछे का बस है। देखो पीछे का बस तो लोग पानी लेने के जा रहे हैं, तो पानी भैया ल को छ, तो पानी ले रहे हैं यहाँ से, रास्ते के लिए पानी लेके जाना पड़ेगा। पानी दिन ना बड़ा पानी 20 है, ठीक
तो मैंने पानी ले ली, तो यहाँ का बस स्टैंड देखो ऐसा है, तो पीछे का ये है बस, हमारा बस ये है, तो पानी हाली ना और पर्दैन कि अञ्जली ओ बस 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 में ना क्या क्या आता है, कभी पंडित आता है, कभी कोल, तो ये लोग पैसा देता ही रहता है। बदाम वगैरह सब आ रहा है, बस चलने वाले हैं, तो इसलिए क्या क्या आता है, वो चार्जर, घड़ी, हेडफोन लेना का लेने के लिए बस में चढ़े, सस्ते में देगा ये लोग। पॉपकॉर्न वगैरह, ओह तो ऐसे भी लग रहा है कि बस चलने वाली है, गाड़ी पैक हो चुका है, और मैं और कुछ यहाँ पर है, आगे में अंजलि और माँ, तो यहाँ से हम लोग निकलने वाली है। तो देखो भीड़ हो गया ना बस, इससे पहले खाली था बस, तो मुझको इतना क्या बोलते अरेस का मतलब बोलता है टायर्ड वगैरह था कि कब बस को पैक होएंगे तो यहाँ से निकलेंगे। तो अभी 2:44 का टाइम था, तो लगभग यहाँ से लग निकल चुका है, तो शुरू हो चुका है। देखो पूछे फोन में बात कर रहे हैं, देखिए देखो पैक गाड़ी निकल चुके हैं, लगभग यहाँ से चार साढ़े तीन घंटा तो लगेगा यहाँ से। फाइनली बस चालू हो चुका है, तो बोला टिकट चेक कर रहा है किस किसका टिकट है, वो कुछ भी है साथ में, यहाँ से जा रहे हैं। देखो चलते चलते चालसा पहुंच चुके हैं हम लोग, तो बहुत नींद भी आ रहा है गाड़ी में, तो हम लोग जा रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ चुका है। चालसा देखो हम लोग बस में ही है अभी, चालसा हम लोग लगभग यहीं से बहुत दूर है, हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल बज चुका है पाँच बज चुका है। नुयांग ये उठ्यो, चालसा का व्यू देखिए ऐसा है, चालसा बाजार, बस का भीड़ देखिए। Thank you.
टाइम के बाद मैं पहुंच चुका हूँ बानरहाट। तो अभी यहाँ तक पैसेंजर इस बस में ना फुल था, तो अभी खाली हो चुका है। तो मैंने हल्का सा स्टिंग ले ली क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा स्टिंग खाने का मन कर ली। तो ये हमारा बस, देखो यहाँ से भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हम लोग। तो बस अभी यहाँ से खाली है। देखो अभी बस खाली है, पीछे भी खाली, कितना पैक था। अभी भी तो जा रहे फ्रेश होके यहीं से चलेंगे। फिलहाल काफ़ी टाइम के बाद हम लोग चमचूर पहुँच चुके हैं। यहाँ से चेरपोर्ट जाना पड़ेगा, तो उसे टोटो मिला रही है। देखो करीब रात पड़ चुका है। नुएंग देखो नुएंग चलो यहाँ से चलते हैं टोटो। फिलहाल बस से निकल चुके हैं, तो यहाँ से टोटो लेना था। हम लोग टोटो ले ली, तो नुएंग कहने को बाय बाय। अंजलि बहुत थक चुका है, बस में बैठकर इतना लंबा सफ़र किया। तो यहाँ पर मम्मी है, तो आगे में पूछे है उसे, लगभग थोड़ी देर में चेक पोस्ट पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे रहा आज का दिन, देखते रहे मेरा वीडियो। आते आते रात पड़ गई, तो हम लोग हमारे पुसाई आदिल दा का घर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग घर में हैं। तो आज का रात पड़ते समय तो आपको नज़ारा नहीं दिखा होगा, तो कल फिर से स्टार्ट करेंगे ब्लॉग। तो आज का सफ़र के लिए इतना ही। तो गैस नीचे में अंजलि का माँ और पुसे सब लोग बात कर रहे, तो हम लोग टेरिस्ट पे है, तो हल्का सा टेल रहा है। तो गैस आज का सफ़र ऐसा ही रहा, तो आज के लिए इतना ही। तो कल से फिर दूसरा ब्लॉग आएंगे, तो तब तक लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय।